मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 5:48 और आज है 29th अप्रैल। अभी भी आवाज़ में थोड़ा भारीपन है। 14 अप्रैल से आज 29 अप्रैल हो गया, 15 दिन कोई वीडियो नहीं बना, भाई क्या करें। करीब 10 दिन तो हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, अब थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ, सुबह योगा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो पूरी कहानी है वो बात करता हूँ कि कैसे क्या हुआ मुझे। ये ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, ज़रा बंद हो जाए। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं किस साइड बैठा हूँ। ये मेरा रूम है, एक ऊपर है, एक उधर है, एक उधर है, और इधर दरवाज़ा है, मेरी बाइक खड़ी है। ये पीछे साइड हूँ मैं, ये कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं इधर, और ये मैडम जी बैठी हुई है इधर। तो एक्चुअल में मैं बात करता हूँ कि हुआ क्या। 14 अप्रैल को एक छोटी सी ज़मीन ले रखी लखनऊ में, और मैंने नहीं, पूरे स्टाफ के 10-12 लोगों ने लिए, तो उसका ठेका देना था और सबने जेसीबी बुला के उसकी नींव खुदवानी थी। सभी दो गाड़ियों में 10-12 लोग गए, 10 लोग गए, और वहाँ हमने नींव खुदवाई। ये जेसीबी चल रही है, यहाँ पे नींव की खुदाई हो रही है, और छांव एक छोटा सा पेड़ है जिसको सहतूत नाम से जाना जाता है, केला खा रहे हैं लोग, और उसकी छांव में बैठ के केला खाया जा रहा है। इधर इधर देखिए प्रभाकर राय सर खड़े होके पपीता खा रहे हैं, यादव सर मुझे लग रहा है यादव जी केला खा रहे हैं। इस तरीके से सब काम हो रहा है, धूप बहुत तेज है, ये सूरज अपनी गर्मी बहुत तेज फैला रहे हैं। उस बीच में लगी धूप, और दुकान से ले आए हमने, कहा भाई लोग काम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, और एक किसी भाई ने 4-5 बोतल पानी लाए, 2 बोतल मैं भी लाया था। वहाँ कुछ एक दो लोग बाहर के लोग भी थे, तो काम हो गया। शाम तक जब मैं घर पहुँचा, इतना भयंकर बुखार हो गया ना, क्या बताऊँ, पूरे शरीर में दर्द इतना भयानक कि मतलब उठा ना जाए, और पूरे बॉडी में पेन, भयंकर बुखार। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि आज ठंडा गर्म लग गया और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे घर में दवाई जो थी पैरासीटामॉल और अजिथ्रोमाइसिन लिया, 2 दिन खाई हमने, 2 दिन में कोई आराम नहीं हुआ। 14, 15, 16 तक शाम तक कोई आराम नहीं हुआ। 17 को फिर मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, तो उसने एक एंटीबायोटिक दे दी, सेफेक्जिन 200 mg की डिस्पर्सिबल थी, और विटामिन सी की कुछ गोलियाँ दे दी और पैरासीटामॉल, बोला 5 दिन खाओ सही हो जाओगे। तो 2 दिन तो ऐसे निकल गया, 5 दिन उसको खाया, हाँ खाने के बाद आराम मिलता था, बुखार कम हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा आ जाता था। तो करीब 20-21 हो गया, 19 तारीख हो गई मुझे ऐसे दवा खाते, शंका हुई। 19 को फिर हमने, यहीं बगल में सूर्या हॉस्पिटल है, देवेंद्र शर्मा वहाँ के डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया, देवेंद्र शर्मा जी को। सबसे पहले उन्होंने जांच लिख दिया, दवाइयाँ लिख दी, ब्लड जांच में वाइडल टेस्ट था और CBC टेस्ट, शुगर, तो उसमें क्या क्या घटा था, मतलब पॉजिटिव क्या था। वाइडल टेस्ट में जो सीरम वगैरह वो
ओ टाइप ई एच टाइप ही होता है, वो पॉजिटिव आ गया। प्लेटलेट्स जो है 1.5 लाख होने चाहिए थे, 68,000 हो गए। मुझे लगा कि भाई असली बीमारी तो यही थी, इसीलिए बुखार आ रहा था। ठीक है, दवाई ले ली हमने 5 दिन की। 5 दिन की दवाइयाँ, 19 से खाना शुरू करी, 4 दिन की दवाई ली तो 19, 4, 22, 23 तक भी, 21, 22 तक, क्योंकि उधर इलेक्शन ड्यूटी भी थी। तो मैंने जगदीशपुर CHC में गया और वहाँ पे मुझे शंका हुई कि अब कुछ लग रहा है गड़बड़ है। हाँ, इस बीच में जब बुखार आने शुरू हुए थे 14 को, तो मैंने फैमिली को कहा कि भाई मुझसे दूर रहो तुम लोग, कुछ पता नहीं कोरोना भी हो सकता है, अलग कर दिया। और 19-20 तक आते आते तो मैंने बच्चों को गांव भेज दिया, थोड़ा सा क्लियर होने लग गया था चीज़ें। फिर 20-21 में हमने एंटीजन टेस्ट के लिए दिया, तो उसमें तो तुरंत पता चल जाता, उसमें नेगेटिव हो गया। फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर मैं गया फिर सूर्या में, तो उन्होंने कहा कि CT स्कैन कराओ, तुम्हारी दिक्कत लग रही मुझे। मैंने कहा चलो ऐसे होगा। एकाध दिन बाद फिर अंत में मैं हॉस्पिटल गया, कुछ चेकअप, 4 दिन की दवाइयाँ ख़त्म हो रही, मैंने कहा दोबारा दिखाऊँगा। पहले उन्होंने ऑक्सीमीटर से यहाँ लगाया, चेक किया और देखा कि ऑक्सीजन का लेवल 90। भाई अबरा तबरी मच गई हॉस्पिटल। बोला तुम नहीं दिखा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तुम कोविड हो। फिर कोई घबराने वाली बात नहीं थी, वो मेरे लिए तो नहीं थी, काफ़ी मतलब स्ट्रांग बना रहता हूँ ऐसी हालातों में भी। फिर बोले तू CT स्कैन करा लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। भाई टेस्ट छोटा तो था नहीं, 3700 रुपये का टेस्ट था, पैसा भी नहीं था। घर आया, पैसा ले गया 4000 रुपये, CT स्कैन कराया, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई इसकी। इन्फेक्शन जो है पूरा, ये पूरा फैल गया। अब क्या करना था, उन्होंने पर्चे वर्चे दिए, फाड़ मारे और ये कोई लिखी लिखाई दवाई जो कोविड की होती है वो पूरा पर्चा दे दिया, बोला जाओ दवाई खाओ, घर में रहो, कहीं निकलना मत। इलेक्शन ड्यूटी कैसे कटे, तो हमने कहा यार एंटीजन तो नेगेटिव आया है। तो फिर दूसरे दिन फिर मिल गया वाइफ को लेकर, इनको भी बुखार आ गया, इनको पैरासीटामॉल और वही अजिथ्रोमाइसिन दे दिया, क्या करते हैं। तो इनको आराम हो गया और डिसिप्लिन से घर आ रखे, इनको भी आराम हो गया। दूसरे दिन फिर मैं गया, मैंने कहा सर मुझे RT-PCR टेस्ट कराना है, तो रिक्वेस्ट को माना और उन्होंने कर दिया। और ऊपर वाले की ऐसी दुआ कि मतलब दूसरे दिन सुबह को रिपोर्ट आ गई और मैं होम क्वारंटाइन हो गया। अब दवाइयाँ खाता रहा। हाँ, जब वो कोविड की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, मतलब कोविड की दवाइयाँ तो क्या होती है, मतलब प्रेस्क्राइब जो दवाइयाँ, मुझे 22-23 तारीख से काफ़ी धीरे 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 करके आराम मिलना शुरू हुआ। गर्म पानी और भाप लेना, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे भाप लेता हूँ। तो अब जो, हाँ, 23 तारीख के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने योगा प्राणायाम करना शुरू कर दिया, काफ़ी रिकवर हो गया, लेकिन अभी भी इन्फेक्शन है, लग रहा थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव रहना है। कोरोना को हम मात दे सकते हैं, हमारे भी शरीर में, आपके भी शरीर में, हर किसी के शरीर में एंटीबॉडी होती, हर किसी के शरीर में होती, और वो रोगों से लड़ने के लिए अपना पूरा जो ब्लड शरीर कहते हैं वाइट ब्लड जो है WBC बनाता है ना, वो जो WBC होता है वो रोगों के से लड़ने का काम करता है। मैं इतना बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है डॉक्टर, तो डरने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कुछ ऐसा होता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये चाहे कोई जादू हो जाए तुरंत ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन हुआ है तो 10 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन नॉर्मल लगना है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये है सारा हिसाब किताब। बाकी जो कमज़ोरी आई शरीर में कैसे रिकवर किया मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। और मुझे रिकवर होने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। चलिए आइए इनसे बात करते हैं। अभी सब कुछ ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं तो अच्छा लग रहा है देख के। क्या किया तुमने? अरे जो मुझे करना चाहिए जो मेरा फर्ज है वही मैंने किया। क्या क्या किया? अच्छे से इनका देखभाल किया, खाना पीना समय पे टाइम पे देना, फिर सारी चीज़ें जो भी है दिन भर गर्म पानी देना ताज़ा खाना देना, कपड़े देना फिर दवाइयाँ तो खुद ही ले रहे हैं ये। साफ सफाई यही सब ध्यान रखा मैंने। और बाकी ठीक हो जाए अच्छे से और क्या चाहिए। इनके साथ साथ मैं भी थोड़ा बुखार था तो मैंने भी दवा ली, फिर मेरा तो ठीक हो गया, इनका भी ठीक हो गया है, लगभग थोड़ा बहुत रह गया है। तो इसी तरह मैं लगी रहूँगी जब तक ये ठीक ना हो जाए। और बाकी क्या है, ठीक हो जाए फिर उसके बाद ज़िंदगी फिर से उसी तरह से पटरी पे आ जाए जैसे पहले थी। और बाकी कुछ नहीं चाहिए तो धन्यवाद। इसी साथ आप बात करिए चौरसिया जी से। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाती है सुबह, और ये जो क्यारियाँ बना रखी है इसमें थोड़ा बहुत समय व्यतीत हो जाता है, और ये भी लगी रहती हैं। ये देखिए, आइए आपको टूर करा देते हैं क्या क्या है हमने क्यारियों में लगा रखा है। ये बैंगन हो गया, ये गुलाब हो गया, और यहाँ पुदीना भी नीचे लगा रखा है। ये गेंदा था तो धीरे धीरे सूखने की तरफ है। टमाटर की नई पौधे लगा दिए हैं, बीच में गुलाब है। ये लौकी का पौधा शायद ना, कद्दू गन्ना लगाया था लेकिन गिलहरी खा जा रही है। और ये अमरूद का पेड़ है, ये बेल का है, इधर भी बैंगन है, हरे मिर्च के पौधे हैं, थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहा है। प्याज हो गया, ये इस वाले खेत में हमने अभी भिंडी लगा दी है, जम गई है देखिए, ये अच्छी भिंडी जमी है, कहीं कहीं नहीं जम पाई है, बाकी तो सब जम गई है। और उधर वाले में भी वही कद्दू लौकी तोरई टाइप का लगा दिया है। धनिया ख़राब हो गई है, पक गई मतलब, कभी पालक हुआ करता था, बीज पड़ा इसमें, इसमें भी टमाटर लगे छोटे छोटे। ये टमाटर देखो खूब खिलाया इसने, कम से कम 8-10 किलो टमाटर हमने इसमें खाया होगा। इधर वाले में लहसुन था, भी लगाना है कुछ। प्याज को पैर से तोड़ दिया है जिससे नीचे गांठ बड़ी हो जाए। ये प्याज हो गया, धनिया डाली थी लेकिन जमा नहीं है, ये धनिया बहुत दूर दूर जमी। ये लोबिया भाई फूल आ गया इसमें, और देखो अभी फल भी दिख रहा है कहीं पे। तो फूल आने शुरू हो गए हैं, पिछले साल हमने बहुत खाया था। शरीफा का पेड़ है, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लेकिन अभी फल नहीं आया कभी। और ये नींबू का पेड़ है, नींबू दिख रहा है इसमें। गन्ना लगाया इधर, और पीपल का पेड़ भाई कितना ऑक्सीजन देता है। इसमें है भिंडी, उधर भी भिंडी दिख रही है,
और उधर मूंग का है, इसमें है मक्का, लेकिन मक्का सब गिलहरी खा गई। और आपका ये है करी पत्ता, खूबसूरत सा ताज़ा ताज़ा। ये पूरा मोटा पेड़ था, मैंने काट दिया, यहाँ से पेड़ ख़राब हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था। पपीता का पेड़ ये हमारे खोपड़ी में, इधर आम है। ये क्यारियाँ है, थोड़ी बहुत इसमें मेहनत हो जाती है कुदाल फावड़ा चला के, और क्या करें यार, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ BHL का नज़ारा देख ही रहे हो, इस तरह से कमरे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं सारी। सुबह को 2 गिलास गर्म पानी लेने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद अभी ये काढ़ा बन के तैयार है। इसमें गिलोय और क्या क्या पड़ा है मैं पूछता हूँ ज़रा इनसे, क्या क्या डाली हो इसमें? गिलोय है, तुलसी पत्ता है, अजवाइन है, उसमें काली मिर्च, लौंग, अदरक, ये सब है, गुड़ है इसमें, थोड़ा सा मिठास के लिए, और उसमें और नींबू बाद में निचोड़ के फिर उसके बाद पी सकते हैं। और इसमें विटामिन सी भी है और गर्म तत्व भी है, जिससे हमारा जल्दी से स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। इस काढ़ा पी के गला तर बतर हो जाता है और बहुत ही। कितने टाइम पिला रही हो काढ़ा है हमें? काढ़ा 2 टाइम पी रहे हैं, पहले तो 3 टाइम पीते थे, अब 2 टाइम हो गया है, सुबह शाम। इस काढ़े से काफ़ी आराम भी मिल रहा। काढ़ा तो पिछले साल फरवरी में मैंने शुरू किया था, जब ये कोरोना ने दस्तक दिया था, और तब से लगातार चल रहा था। लेकिन बीच में जब तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो 3-4 दिन हमने बंद कर दिया था, वो हमने गलती की थी। जिसका फ़र्क ये हुआ कि जो बार बार जुकाम खांसी होता था वो ख़त्म हो गया था मेरा, लेकिन फिर से शुरू किया हूँ और अभी तो ठीक है, काफ़ी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये रही भाप लेने की जो मशीन है हमारे पास, ये, और इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक रहता है, यहाँ तक इतना कम हो गया। तो अभी हमें इसमें पानी भरना होगा ताज़ा, और वैसे सादे पानी से ही भाप ले रहा हूँ, तो ऐसे बस सीधे ऐसे डालना है। पहले पानी बदल लेता हूँ, उसके बाद फिर भाप लेता हूँ। खौल रहा है एकदम, अब कुछ नहीं खाना पीना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक जो है कुछ भी ना पानी पीना है ना खाना है, ऐसा रहे जिससे उसका असर पूरा जो है भाप का नोज़ में और चेस्ट में फैले, और जो कुछ भी है वो बाहर आ जाए। तो ये रहा कुछ हिसाब किताब, और भाप लेने के बाद ये इसमें गर्म पानी भर लेता हूँ, और ये दिन में करीब 3 बार भरा जाता है, 3 लीटर के आसपास। तो गर्म पानी 3 लीटर के आसपास मतलब हो जाता है। और बाकी ये सब दवाइयाँ टेबल पे पड़ी हैं, दवाइयाँ लगभग ख़त्म है, एक आध दवाइयाँ जो 5-6 दिन तक और चलेंगी। तो पॉजिटिव बने रहना है, हंसते रहना है, मुस्कराते रहना है, खुश रहना है, और आधी बीमारी तो वैसे कम हो जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें और खुश रहें, इसी के साथ सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर फालतू ना निकलें। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।